हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्टाइल। आई होप आप लोगों को पसंद आया। मुझे तो ये वाला साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे किया है। सो सबसे पहले आपको पेटीकोट वेयर कर लेना है। आपकी साड़ी का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो आपको टक कर लेना है अपनी पेटीकोट में। उसके बाद ये देखिए मैं जिस तरीके से प्लेट्स बना रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको प्लेट्स बना लेना है। और आपको सारी साड़ी की प्लेट्स बना लेना है, बिल्कुल भी फैब्रिक आपको छोड़ना नहीं है। और उस इसी तरीके से आप अपनी साड़ी की प्लेट्स बना लीजिए। और ये वाला जो स्टाइल है, आप अगर आपके यहाँ किसी की वेडिंग है तो आप उसमें भी कर सकते हो, या फिर आपके यहाँ हल्दी का फंक्शन है किसी के यहाँ तो आप उसमें भी कर सकते हो। बिल्कुल लहंगे जैसा लुक ही आता है इस वाली साड़ी ड्रेपिंग से। और मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो ये देखिए इस तरीके से आपको सारी साड़ी की प्लेट्स बना लेना है। सो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट्स बना ली हैं और कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप चाहो तो इस तरीके से भी आप शोल्डर पर दुपट्टा डाल सकते हो। बस आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और इसको सिक्योर कर लेना है ताकि आपका दुपट्टा बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए। एंड सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, आपको इस तरीके से प्लेट्स बना लेना है। प्लेट्स जैसे हम साड़ी की बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको बना लेना है। फर्स्ट प्लेट थोड़ी सी चौड़ी एंड उसके अकॉर्डिंग बाकी प्लेट्स थोड़ी सी पतली। और यहाँ पर मेरी चुन्नी का बॉर्डर जो है काफ़ी पतला है, सो मैं प्लेट्स काफ़ी पतली बना रही हूँ क्योंकि पतली प्लेट्स इस पर ज़्यादा अच्छी लगेंगी। सो इस तरीके से ये देखिए आपको प्लेट्स बना लेना है। और आपको इनको सेट करने के बाद अपने आपको लेफ्ट शोल्डर पर आपको इनको रख देना है अपनी चुन्नी को, और बस सेफ्टी पिन से आप इनको सिक्योर कर दीजिए। कि मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन से शोल्डर पर इसको टक कर लिया है। और इस तरीके से आपको एक और सेफ्टी पिन लेना है और आपको अपनी कमर के पास में साड़ी में इसको सिक्योर कर लीजिए ताकि आपकी चुन्नी बिल्कुल भी इधर उधर ना जाएगी। एंड उसके बाद आपको आगे की प्लेट्स को इस तरीके से सेट करने के बाद आपको एक सेफ्टी पिन और यहाँ पर लगा लेना है ताकि आपका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और आपकी चुन्नी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगी और आपका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, आप चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी चुन्नी सेट कर ली है। और आप चाहो तो इस तरीके से भी आप अपनी चुन्नी को सेट कर सकते हो। आपको ये कॉर्नर लेना है और इस तरीके से आपको सेट करना है बस। और आपको इसको इस वाले शोल्डर पर सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इसको सिक्योर कर लीजिए। ये वाला लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर मेरी चुन्नी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको सिर पर चुन्नी रखना है तो आप इस तरीके से आप अपनी चुन्नी को सेट कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप अपनी चुन्नी को सेट करोगे तो आप ये देखिए सिर पर चुन्नी रखने में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको अपने जूड़े पर अपनी चुन्नी को रखना है और एक यू पिन लेना है और उसकी हेल्प से आपको सेट कर लेना है, बिल्कुल भी आपकी चुन्नी इधर उधर नहीं जाएगी। सो ये था मेरा साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।